नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ धाराभाई चालक पर चुंबक के बल बल की दिशाएं। तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और जिसे कहते हैं मैक्सवेल का नियम या दाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम। तो आज दोनों क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिखा हुआ है कि किसी धाराभाई चालक से चुंबक क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले चुंबक के बल की दिशा के लिए वैज्ञानिक ब्रिटेन के विज्ञानी फ्लेमिंग ने नियम दिया, जिसे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या बाएं हस्त का नियम कहा जाता है। तो आप देखा कि इसकी विद्युत धारा और चुंबक क्षेत्र और बल की दिशाएं सभी क्या हैं, 90 डिग्री लंबवत हैं। यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली उंगली को पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली तर्जनी उंगली चुंबक क्षेत्र बी की दिशा में, अपनी उंगली मध्यवर्त धारा आई की दिशा में, अंगूठा चालक पर बल रेखा की दिशा में प्रदर्शित करता है। मतलब सभी के सभी यहाँ देखिए सभी 90 डिग्री की दिशा में अपनी अपनी ओर हैं। तो इस तरीके से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम 2020 के जो बोर्ड एग्जाम में 10वीं क्लास में यूपी बोर्ड में पूछा जाना है। अब लिखा हुआ नया क्वेश्चन मैक्सवेल का नियम या हम कह सकते हैं दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ का खोलकर इस फैलाते हैं कि अंगूठा उंगलियों को दिशा के लंबवत हो, अंगूठा उंगलियों की दिशा के लंबवत हो। इस स्थिति में उंगलियों चुंबकीय बल क्षेत्र बी की दिशा को तथा अंगूठा चालक में धारा ई की दिशा को संकेत करता है। हथेली बाहर की ओर और लंबवत दिशा धकड़ने पर चालक पर लगने वाला बल एफ की दिशा में होता है। तो देखिए इसके लंबवत होता है, जो बल होता है उसकी लंबवत लगता है, जिसके भी यदि पैंच को जो पकड़ने वाला होता है उसके लंबवत यदि अंगूठा से सामने होता है और उंगलियां मुड़ी हुई होती हैं तो उससे क्या 90 डिग्री की ओर होता है। तो इस तरीके से आपने देखा धाराचारी जब इस वीडियो को यदि आप लिखना चाहें तो पोज करके इसे अच्छी तरह लिख भी सकते हो। और मैं बता दूं आपको कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो धन्यवाद।